हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस वंस अगेन। सो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हिंदी की 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 7, जो कि है 19th जुलाई की। इसमें हमें एक छोटा सा काव्यांश दे रखा है, हमको उसको पढ़कर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित भरा धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती को रूप संवारा, और अभी आने वाली सदियों में भी मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरि चीर सुखद गंगा को निर्मल धारा, मैंने रेगिस्तान की रेत धो धोकर बंदे धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। तो ये हमारा काव्यांश था, ये मजदूरों पे रिलेटेड है, मजदूरों की परेशानी और उनकी दिखाई है कि वो कैसे मेहनत करके हमारे लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं जो कि स्वर्ग से कम नहीं है। तो अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है अगणित, अगणित का देखते हैं। अगणित माने जिनको गिना ना जा सके। धरा, धरा माने पृथ्वी होता है। अंबर, अंबर माने होता है आसमान। इसी तरह से वंशज, वंशज मतलब पूर्वज। हिमगिरी, हिमगिरी मतलब हिमालय। और बंध्या माने बंजर इलाका, जो बेकार हो जमीन। सो सेकंड क्वेश्चन है, मजदूरों द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है। इसका यह तात्पर्य है, धरती को स्वर्ग मजदूर ही बनाते हैं, वो अपनी मेहनत और कठोर परिश्रम से सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करके धरती को स्वर्ग बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मजदूर धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य वर्षों से कर रहे हैं। पहले ये कार्य उनके पूर्वज ने किया, अब वह करते हैं और आगे उनकी आने वाली पीढ़ियां करेंगी। अब उपयुक्त कविता किन लोगों की मेहनत की बात करती है। उपयुक्त कविता में मजदूरों की मेहनत की बात की गई है। अब पांचवा प्रश्न, उपयुक्त कविता के लिए एक शीर्षक चुनिए। इसका शीर्षक हो सकता है मजदूरों की निर्माण में भागीदारी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्याय शब्द लिखिए। धरती के हो सकते हैं पृथ्वी, धरा, भू या फिर जमीन। इसी तरह से गंगा के हो सकते हैं भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, और पुष्प के सुमन, फूल और कुसुम। तो यहाँ पे हमारी हिंदी की वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।